वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का PCS और BU की डेवाइस सीरीज में। डेवाइस सीरीज में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में अगर हम देखें तो मैंने अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 13 ये दोनों समझा दिए थे। आज मैं इसके आगे बढ़ूंगा और आज मैं बात करूंगा अनुच्छेद नंबर 14 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, हिंदी में से कहते हैं विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14। क्या है विधि के समक्ष समानता, इसको आज हम समझेंगे। देखो भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 ये कहता है कि भारत में विधि का शासन है। विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ लागू है। अब रूल ऑफ लॉ क्या है, तो रूल ऑफ लॉ जो है एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ये माना जाता है कि किसी भी देश का कानून सर्वोच्च है और उस कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, यही होता है विधि का शासन। जब हम किसी क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ लागू करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कानून ही सर्वोच्च है और कानून से ऊपर और कोई भी नहीं है। और ये बात भारत में भी पूरी तरीके से लागू है। भारत का संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 ये कहता है कि भारत में कानून का शासन है और कानून सबके लिए एक बराबर है। ध्यान रखना, भारत में विधि का शासन होने की वजह से किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव भारत में नहीं किया जाता है, कानून सबको एक निगाह से देखता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि अनुच्छेद नंबर 14 का जो अधिकार है ये भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है ही, इसके अलावा भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अगर भारत में कोई विदेशी भी कोई अपराध करता है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ भी कानून के अकॉर्डिंग जो व्यवहार करना चाहिए वो किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 14 ये कह रहा है कि भारत में विधि का शासन है और कानून सबके लिए एक बराबर है, कानून किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यही है साथियों विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के लिए सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं और कानून किसी के साथ जाति पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, कानून सबके लिए एक बराबर है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि कानून सबके लिए एक बराबर है, एक जैसा है, भारत में विधि का शासन लागू है, तो कोई भी व्यक्ति भारत में कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि विधि के समक्ष समानता है भारत में, तो हमें इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। अपवाद की जैसे मैं बात करूं कि अपवाद क्या है, तो अपवाद भारत में इस अनुच्छेद के दो हैं। पहला है भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखना, पहला है भारत का राष्ट्रपति और दूसरा है राज्यों के राज्यपाल। एक ओर जहां हम ये कह रहे हैं कि भारत में विधि के समक्ष समानता है, रूल ऑफ लॉ लागू है, इंडिया में कानून का शासन है, वहीं दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस नियम से अलग रखा गया है, यानी इन दोनों को इस नियम से छूट प्राप्त है, ये इसके अपवाद है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति के पद पर बैठा कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे द्रौपदी देवी मुर्मू जी आज के समय में हमारी राष्ट्रपति हैं, तो अगर द्रौपदी देवी मुर्मू कोई ऐसा काम कर दें जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसे में उनके ऊपर क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो पाएगी, तो इसका जवाब है नहीं हो सकती। जैसे आप इमेजिन करिए कि आप अभी जो है शाम के समय अपनी साइकिल लेके जा रहे थे, हम इमेजिन करते हैं हम शाम के समय अपनी साइकिल लेके जा रहे थे और आपको द्रौपदी देवी मुर्मू ने अपने चार साथियों के साथ रोक लिया, पकड़ लिया, थप्पड़ मार के तुम्हारा चाइना वाला मोबाइल छीन लिया, इसके अलावा तुम्हारी जेब में 500 रुपए थे वो छीन लिए और तुम्हारी साइकिल भी लूट ली। अब ये तो लूट हो गई सरासर, और जब ये लूट हो गई और तुमने उनको पहचान लिया कि अरे ये तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, और तुम इस केस को लेकर के पहुँचते हो अपने नज़दीकी पुलिस थाने,
तो जब आप नज़दीकी पुलिस थाने लेकर के इस केस को पहुंचोगे और कहोगे साहब हमारी FIR लिखो, हमारे साथ ये भेदभाव हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, राष्ट्रपति जी ने हमें लूट लिया, तो इस प्रकार की कोई भी FIR नहीं लिखी जाएगी किसी भी थाने में। ये बात ध्यान रखना, नहीं लिखी जा सकती कभी भी और कभी भी। क्यों? क्योंकि भारतीय कानून में इस चीज़ को लेकर के कोई कानून बनाया ही नहीं गया है कि अगर राष्ट्रपति कोई अपराध कर दें तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। IPC में इसका कोई मेंशन ही नहीं है, और जो चीज़ IPC में अपराध बताई ही नहीं गई है उसके लिए किसी पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये आपको लूट भी ले तो इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। सेम कंडीशन राज्यपाल के साथ है, इन दोनों को एक साथ ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो क्या ये अपने पद पर बैठे रहते हुए कुछ भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है, वो बात हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इतने बड़े पद पर हो तो उसकी गरिमा का ध्यान आपको रखना होता है। अब मान लो इन्होंने जो लूट करी उसकी किसी ने वीडियो भी बना ली, साहब एक कहीं दूर से एक आदमी देख रहा था, उसने कहा अच्छा राष्ट्रपति जी लूट कर रही हैं, उसने वीडियो बना ली, और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब सबको पता है, प्रॉपर प्रूफ है कि हाँ द्रौपदी देवी मुर्मू ने लूट करी थी, भाई लूट में शामिल है ये, प्रॉपर सबूत है। तब क्या होगा? तब इनको इनके पद से हटाया जाएगा, यानी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और अगर ये महाभियोग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई तो द्रौपदी देवी मुर्मू जो है महाभियोग के माध्यम से इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा, और जब इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा तो ये हो जाएंगी एक साधारण नागरिक, और जैसे ही साधारण नागरिक होंगी वैसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत शामिल हो जाएंगी, और विधि के समक्ष समानता इन पर भी लागू होगी और इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आई बात समझ में? तो पहले इनको इनके पद से हटाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझने योग्य है कि ये जो छूट मिली हुई है विधि के समक्ष समानता से, जो हम अपवाद देख रहे हैं, ये छूट किसी व्यक्ति को नहीं है बल्कि इन पदों को है, ये ध्यान रखना, इन पदों को छूट प्राप्त है, व्यक्ति को नहीं है। ये छूट द्रौपदी देवी मुर्मू जी को नहीं है, ये छूट राष्ट्रपति के पद के लिए है। जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठेगा उसको ये छूट प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 और ये है इसकी व्याख्या। आई बात समझ में आपको? ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में कानून से ऊपर नहीं है। और इसमें थोड़ा सा आप और ध्यान देंगे कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं जब वो कोई ऐसा काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे आपने देखा लालू यादव ने चारा घोटाला कर दिया, अब चारा घोटाला कर दिया तो लालू यादव को अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उन्हें लंबे समय तक जमानत नहीं दी। क्यों नहीं दी? उसके पीछे भी एक लॉजिक है, जब आप किसी बड़े पद पर होते हो और आप कोई ऐसा काम कर दो, कानून का उल्लंघन कर दो, तो आपको जल्दी माफ़ नहीं किया जाएगा। उसका कारण यह है कि अगर कल को लालू यादव ने मान लीजिए घोटाला किया था, अब उनको अरेस्ट किया जाता और कोर्ट क्या करता, 10 दिन में ही उनको जमानत दे देता, तो आम जनता में मैसेज क्या जाता? आम जनता में मैसेज ये जाता कि अरे भैया लालू यादव तो पैसे वाले हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पैसे का पावर था, इस वजह से जज साहब को पैसा खिला दिया होगा इसीलिए छूट गए, गरीब आदमी होता तो जेल में पड़ा रहता। तो ये मैसेज समाज में जाता, ये मैसेज समाज में ना जाए, इसलिए प्रॉपर ये नियम बनाया गया कि जितने बड़े पद पर आप होंगे उतनी कठोर आपको सज़ा भुगतनी होगी। ये भी एक मतलब नियम नहीं है पर एक तरीके से आप देखोगे ये परंपरा है कि जो भी बड़े बड़े नेताजी होते हैं उन्हें कोर्ट आसानी से जमानत नहीं देता, उन्हें जेल में रखता है ताकि आम जनता में ये मैसेज जाए कि पद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप अपराध करोगे तो जेल में जाओगे, भले आप मुख्यमंत्री रह चुके हो, रेल मंत्री रह चुके हो, प्रधानमंत्री रह चुके हो, कहीं भी रह चुके हो, अगर अपराध करेंगे तो जेल में जाएंगे। इससे आम जनता में जुडिशरी के प्रति भरोसा बना रहता है, इसलिए कोर्ट ऐसा करता है। बात समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं? तो ये था आर्टिकल नंबर 14। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत की जाएगी आर्टिकल नंबर 15 की, अनुच्छेद नंबर 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये नियम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, मूल वंश को लेकर के किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भेदभाव ना तो राज्य करेगा और ना ही कोई प्राइवेट व्यक्ति करेगा, ये भी ध्यान रखना, यानी ना तो ये भेदभाव सरकार करेगी और ना ही किसी प्राइवेट व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को करने देगी।
बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, यानी राज्य, राज्य की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा दे चुका हूँ कि राज्य क्या होता है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, जाति को लेकर के, आपकी जाति क्या है, आप ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, आपका वंश क्या है, आप किस वंश से संबंधित हैं, आप मुगल वंश से हैं, आप मराठा वंश से हैं, है ना, मैं मिश्रा खानदान से हूँ, तो आपका वंश क्या है, इस सब को लेकर के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भेदभाव ना तो राज्य करेगा, यानी ना तो सरकार करेगी, और ना ही प्राइवेट व्यक्तियों को करने देगी, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जितने भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, मान लो किसी भी व्यक्ति को आज के समय में, साथियों याद रखना, किसी भी व्यक्ति को आज के समय में किसी होटल में जाने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लो किसी होटल में गया और होटल वाला उसे होटल में इसलिए एंट्री नहीं दे रहा कि साहब उसके जो है कपड़े ठीक नहीं है, या आपने कुछ केस वगैरह सुने होंगे कि होटल वाले जो है, कुछ होटल दिल्ली मुंबई में ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, जो इंडियन ड्रेस कोड होता है, अगर उसे कोई पहने हुआ है, धोती कुर्ता पहने हुआ है, तो उसे अपने यहाँ घुसने नहीं देते, चप्पल पहने तो नहीं घुसने देंगे। तो ये क्लियरली आर्टिकल नंबर 15 का वायोलेशन है, उन्हें घसीट के कोर्ट में ले जाइए, उनके बाप को भी जो है एडमिशन देना पड़ेगा, होटल में देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, ध्यान रखना। संविधान हमें पावर देता है, अधिकार देता है, और मेरा तो मानना यह है कि भारत के हर व्यक्ति को संविधान का अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। किसी भी व्यक्ति को होटल में जाने से नहीं रोका जा सकता, उसके कपड़ों के आधार पर, उसकी चप्पल के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी होटल, कोई भी सार्वजनिक स्थल, कोई पार्क है, कोई सिनेमा हॉल है, वहाँ पर नहीं रोका जा सकता, ये बात ध्यान रखना। अगर वह ऐसा करता है तो आप उसे सीधे हाईकोर्ट लेकर के आइए, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वहाँ उसे देखा जाएगा, और बिल्कुल नाक रगड़ के वो माफ़ी मांगेगा, क्योंकि भारत में कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, ये संविधान की पावर है। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी होटल हो गया, है ना, या कोई भी सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल, तो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भी आपको जाने से नहीं रोका जा सकता, किसी होटल में जाने से नहीं रोका जा सकता। तो ये कुछ जो है हमें यहाँ पर छूट प्रदान की गई है ना, किसी स्नान घाट पे, किसी सड़क पे, खेल के मैदान में, तालाब में, इनका प्रयोग करने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है आर्टिकल नंबर 15, जो ये कह रहा है कि किसी के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके भी कुछ हमें अपवाद देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम इसके अपवाद की बात करें, तो इसके अपवाद में आपको कुछ बताता हूँ। जैसे पहला इसका जो अपवाद है वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम, आप इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम ये कहता है कि अगर किसी महिला के साथ घर में रहते हुए हिंसा होती है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर प्रताड़ित किया जाता है, तो उस महिला को हम सुरक्षित करेंगे, उसको संरक्षित करेंगे, और अगर वह चाहे तो इसके लिए कानून का भी सहारा ले सकती है। अगर कोई किसी महिला को मारेगा पीटेगा तो उसको फिर जेल में भेजा जाएगा, सीधी सी बात ये है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अधिनियम आप देख रहे हैं, ये मूल रूप से महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, ध्यान रखना। अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है तो ये काम करेगा, लेकिन कोई पत्नी अपने पति की पिलाई कर रही है, दिन रात घूंसे घूंसे मार रही है, उसके पेट ही पेट में चप्पलें चप्पलें पेल रही है उसमें, तो वो पति अगर जाए और कहे थाने में जाकर के कि मेरी बीवी के खिलाफ है, भैया लिखिए मुझे मारती है, वो मेरे साथ घरेलू हिंसा कर रही है, तो साथियों ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कोई पुरुष जाकर के अभी थाने में रिपोर्ट लिखाए कि मुझे मेरी बीवी मारती है, उसके ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कार्रवाई करो, तो कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये अधिनियम मूल रूप से महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, पुरुषों के लिए बनाया ही नहीं गया। तो ऐसे में फिर आप ये कह सकते हो ये मूल रूप से, स्पष्ट रूप से आर्टिकल नंबर 15 का अपवाद है। अपवाद इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कानून जो होता है साथियों वो पूर्वाग्रह पर काम करता है। पूर्वाग्रह माने कुछ चीज़ें कोर्ट पहले से ही मान के चलता है ऐसी हैं। जैसे अगर किसी साइकिल वाले और पैदल वाले में टक्कर हो जाए, एक साइकिल वाला है, एक पैदल आदमी है, दोनों में टक्कर हो गई, तो गलती किसकी मानी जाएगी? साइकिल वाले की।
भले कौन किस में आके भिड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई साइकिल वाला बाइक वाले में टक्कर मार दे, खुद आके घुस जाए बाइक वाले में, लेकिन गलती किसकी? बाइक वाले की। अगर बाइक वाले और कार वाले में टक्कर हो जाए तो गलती किसकी? कार वाले की। अगर कार वाले में और ट्रक वाले में टक्कर हो जाए तो गलती किसकी? ट्रक वाले की। ठीक, क्यों? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा बड़ा वाहन है उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे ट्रक और ट्रेन में टक्कर होती है तो ट्रक पे FIR होती है, वो इसलिए क्योंकि ट्रेन एक निश्चित रूट पर ही चलती है, वो इधर उधर नहीं भागती है, उसकी बात अलग है। लेकिन ट्रक तो आप चला रहे हो ना, उसको कहाँ ले जाना है तो आपके हाथ में है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखनी है। तो कोर्ट ऐसे ही काम करता है, कानून ऐसे ही चलता है, ये पूर्व धारणाओं पर ही चल रहा है और ऐसे ही चलता है। तो कोर्ट ये मान के चलता है कि घर में महिलाओं के साथ मारापीटी होती है और जो मारापीटी है वो पुरुष वर्ग ही करता है, महिलाएं पुरुषों के साथ मारापीटी नहीं करती हैं, ये बात मानी जाती है। अब करती हैं या नहीं करती हैं वो बाद की बात, लेकिन कोर्ट नहीं मानता, कानून नहीं मानता, कानून नहीं मानता तो फिर होता भी नहीं है, सीधी बात ये है। बात समझ रहे हैं? एक और इसका एग्जाम्पल देता हूँ छेड़छाड़ को लेकर के। अभी मान लीजिए कोई महिला थाने में जाकर के ये कह दे कि मुझे साहब इसने छेड़ा है, ए नाम के व्यक्ति ने छेड़ा है, सिंपल जाके कह दे, भले छेड़ा है नहीं छेड़ा वो बात की बात है, लेकिन उसने कह दिया कि छेड़ा है, उसने गवाही दे दी, तो बस मान लिया जाएगा आपने छेड़ा है, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरीके के बहुत सारे झूठे केस लोगों पर लगाए जाते हैं, छेड़ा है नहीं छेड़ा है पता नहीं, लेकिन फर्जी केस लगा दिया। मेरे खुद ऐसे जानने वाले लोग हैं जिन पर इस तरीके के केस लगे हुए हैं, बिल्कुल फर्जी, नहायत ही फर्जी, लेकिन चूंकि महिला कह रही है तो माना जाएगा। अब अगर पुरुष जाकर के अभी थाने में जाकर के ये कहे कि साहब ये महिला मुझे देख के आँख मार रही थी, मुझे देख के गंदे गंदे इशारे कर रही थी, इस पर भी छेड़छाड़ का मुकदमा लगाओ, तो नहीं लगेगा, क्योंकि कानून ये मानेगा ही नहीं। ऐसी ही सेम आपको एक घटना बताता हूँ, शायद एक डेढ़ साल पहले की बात है, पंजाब में केस हुआ जिसमें तीन महिलाओं ने क्या किया, तीन महिलाओं ने एक पुरुष को, एक मजदूर को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसका बुरी तरह से बलात्कार किया, उसको मारा पीटा शराब के नशे में, और फिर उसको अर्धनग्न अवस्था में, अधमरी अवस्था में सड़क पे छोड़ करके, कार से छोड़ करके भाग गई। अब चूँकि बहुत बड़ा केस था ये, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, लेकिन इस केस में उन महिलाओं के ऊपर बलात्कार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बलात्कार पुरुष का हो सकता है ये कानून मानता ही नहीं है। कानून ये मानता है कि बलात्कार हमेशा महिलाओं का होगा, और कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। महिलाएं कभी किसी पुरुष का बलात्कार नहीं कर सकती, हालांकि वहाँ प्रॉपर किया गया, ये बात फैक्ट है, उसके मेडिकल में ये बात आई कि इसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, लेकिन कानून ऐसा नहीं मानता, तो फिर कार्रवाई भी नहीं हुई। कार्रवाई हुई वो काय की हुई, वो एबडक्शन की हुई, मारपीट की हुई, लेकिन बलात्कार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कानून ऐसा मानता ही नहीं है। तो ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, इस स्थिति के लिए पुरुष भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनाया तो उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे थे, हा 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 हा, उसका तो मजा ही आ गया होगा, मजदूर को मजा ही आ गया होगा। लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा बलात्कार कब होगा? तो भैया, जब आपको बलात्कार करवाने में मजा आ रहा है तो फिर तो ऑब्वियस बात है कि कानून कैसे मान ले कि महिलाएं जो है बलात्कार करती हैं, जब पुरुष को इसमें ज़्यादा आनंद मिल रहा है। तो बस वही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ इस तरीके से ही कानून कार्य करता है, इसी तरीके की कार्रवाइयाँ चलती हैं और ये इसी तरीके से ही चलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये इसका अपवाद है, क्योंकि कानून जो है वो इसी तरीके से ही वर्क कर रहा है। वो ये मान करके चलता है कि हमेशा महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार हुआ है, पुरुषों के साथ अत्याचार महिलाएं सामान्य रूप से नहीं करती हैं। आई बात समझ में आपको? मैं क्या यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 16। आज तीनों के तीनों आर्टिकल खत्म करेंगे हम। आगे है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन के अवसर में समानता, लोक नियोजन के अवसर में समानता, यह है अनुच्छेद नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16। लोक नियोजन के अवसर क्या है भैया? तो देखो, लोक नियोजन के अवसर है सार्वजनिक पदों पर होने वाली नियुक्ति, यानी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी को ही हम कहते हैं लोक नियोजन के अवसर, ध्यान रखना। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी। तो देखो भाई, सरकारी नौकरी के जितने भी अवसर हैं वो सबको समान रूप से मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये भारत का संविधान कह रहा है कि सरकारी नौकरी के जो अवसर हैं वो समान रूप से प्रदान किए जाएंगे, सरकार इनमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, जाति को लेकर, धर्म को लेकर के, लिंग को लेकर के भेदभाव नहीं करेगी, है ना। अब जैसे मान लो IAS का वैकेंसी है, तो IAS का वैकेंसी हर साल आती है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, 21 साल के हैं, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए।
अब कोई आदमी ये कहे नहीं मैं तो जो है 15 साल की उम्र पे आईएएस बनूंगा और ये सरकार जो है उल्लंघन कर रही है मेरे फंडामेंटल राइट का, ऐसा नहीं है। तो उस एग्ज़ाम को भरने के लिए जो योग्यताएं हैं, उसका फॉर्म भरने के लिए जो योग्यताएं हैं, उन्हें आप पूरा करिए और बिल्कुल बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा। तो सरकारी नौकरियों के अवसर बिल्कुल समान है और सरकार किसी व्यक्ति के साथ, हाँ अगर किसी एग्ज़ाम की कोई विशेष डिमांड है, कोई विशेष योग्यता है, तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी और वो सबको पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं केवल आपके लिए है। तो इस तरीके की जो भी योग्यताएं हैं, अगर आप उन्हें पूरा करोगे तो फिर आप सरकारी नौकरी के योग्य हो। आप आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, एसडीएम बनिए, कुछ भी बनिए, कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। तो सबको लोक नियोजन के समान अवसर सरकार उपलब्ध करवाती है, क्योंकि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो हमारे साथ ऐसा नहीं था। अंग्रेज केवल उच्च पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति करते थे, भारतीयों की नहीं करते थे। तो हमने तय किया कि हम सब भारतीयों को समान अवसर देंगे सरकारी नौकरी में आने का, कि सब लोग आइए, मेहनत करिए अच्छे से, और जिसमें योग्यता होगी वो इस पद को प्राप्त कर लेगा। अब इसका भी हमें एक यहाँ पर अपवाद देखने को मिलता है, और अपवाद वो क्या है साथियों? अपवाद है आरक्षण। अपवाद क्या है? अपवाद है इसका आरक्षण, रिजर्वेशन। आरक्षण का विचार क्या है साथियों? आरक्षण का विचार सिंपल सा ये है कि ऐसा कोई भी वर्ग जो समाज में किसी भी कारण से, धार्मिक कारण से, राजनीतिक कारण से, आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, किसी भी कारण से अगर पीछे रह गया है, समाज में कोई भी वर्ग किसी कारण से अगर पीछे रह गया है, तो समाज में उसे आगे लाने के लिए, उसे थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए सरकार उसको हेल्प करेगी, इसी को आरक्षण कहा जाता है। और आरक्षण अपने आप में कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये बेहतर चीज़ है। कैसे? मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि आपके घर में तीन भाई हैं, तीन भाई में से दो भाई ऐसे हैं जो अच्छी नौकरियों पर हैं, सरकारी नौकरियों पर हैं, या उनका अच्छा बिजनेस है, लेकिन एक भाई ऐसा है जो बहुत कमज़ोर है आर्थिक रूप से, उसके पास कोई भी साधन नहीं है, ना उसके पास नौकरी है, ना कोई व्यापार है, बेचारा बीमार भी रहता है। तो ऐसे में आपके पिता क्या करेंगे? आपके पिता ये करेंगे कि उस छोटे बच्चे पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसको थोड़ा ज़्यादा हेल्प उपलब्ध करवाएंगे, आर्थिक रूप से उसको ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह पीछे रह गया है, तो उसको बराबर लाना है, तो उसको हेल्प करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है आरक्षण। तो समाज में वो वर्ग, जैसे एससी एसटी वर्ग हैं, ये समाज में पीछे रह गए हैं, तो इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनको आरक्षण दिया जाता है, जो अपने आप में कोई बुराई नहीं है। ये बुराई तब बन जाता है जब आरक्षण का लाभ समाज में हर उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता जिसको मिलना चाहिए, है ना? तो आरक्षण अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी जरूर समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण का लाभ जिन लोगों को वास्तविकता में मिलना चाहिए उनको मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, या केवल कुछ ही लोगों तक इसका लाभ जो है सिमट गया है, ये भी देखने वाली चीज़ होती है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आरक्षण का लाभ हर उस व्यक्ति को मिले जो समाज में पीछे है, जो पीछे रह गया है, उसको आगे लाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये अपने आप में आरक्षण है। अब देखिए, अब आरक्षण में जैसे क्या होता है कि एक ओर तो सरकार ये कह रही है कि ठीक है सबको समान अवसर देंगे, है ना, लेकिन अब जैसे क्या होता है कि जो जनरल वाले हैं उनको मौके थोड़ा कम मिलते हैं। मान लो जनरल वालों को मौके मिल रहे हैं 5, है ना, तो ओबीसी को मौके मिलेंगे मान लीजिए 7 और एससी एसटी को मौके मिलेंगे 9, इस तरीके से मान लो। तो यहाँ पे देखिए मौके कम है, यहाँ पर मौके ज़्यादा है। फीस में भी आप देखोगे तो जनरल वालों के लिए मान लो 500 रुपये का कोई फॉर्म है, ओबीसी वालों के लिए भी 500 रुपये का है, इनके लिए 250 रुपये का ही है। तो ये भी जो है, अब इनके आधार पर कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये भेदभाव है, हमें 500 ले रहे हैं, एससी एसटी वालों से 250 ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कानून काम करता है पूर्व धारणाओं पर। कानून ये मान चुका है कि एससी एसटी लोग कमज़ोर हैं, इनके पास रुपया पैसा नहीं है, और कानून ये भी मान चुका है कि जनरल वाले बहुत अमीर हैं, ओबीसी वाले बहुत अमीर हैं, और चूंकि ये बहुत अमीर हैं तो इनको कोई भी पैसे की कमी नहीं है, इसलिए इनसे भर भर के पैसा लो, इनकी ये बेचारे गरीब हैं तो इनको कम फीस में भी काम चला दो। तो ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 16, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये हुआ भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 16। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आर्टिकल जो मैंने आज आपको छोटे से क्लास में बताए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो आर्टिकल हैं ये थोड़ा समय लेंगे, और मैं पूरा अनुच्छेद 32 तक एक एक आर्टिकल को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उसका रीज़न है, वैसे तो सिंपल है आर्टिकल, आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल अधिकार के एक एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में यहाँ से बहुत अच्छे सवाल आते हैं। और ये जो नॉलेज है आपको, क्योंकि केवल आपका लक्ष्य प्री पास करना नहीं है, प्री पास करने से काम थोड़ी चलेगा, मेंस में आंसर राइटिंग भी तो करनी है, तो वहाँ पर आंसर राइटिंग में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये जो लेक्चर्स हैं हमारे, जो हम इतने डिटेल में ले रहे हैं, जो भी आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, इनको डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा ये है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मेंस परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अच्छे से इनको हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं,
कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।